गोला कबाब। इस बीफ कीमे में हमने पपीता लगा के पहले से रखा हुआ है, इसको कम से कम कोई 1.5-2 घंटा लगा के रखे। कीमे को साइड पे किया, ये प्याला आ गया सेंटर में। इसके बाद एक अदर ढक्कन हम इसका ढूंढ लेते हैं जो इसके ऊपर सेट आ जाए। ये आ गया कोयले का पीस। चूल्हा किया बंद, थोड़ा सा ऑयल, तो चले इसको कर दिया कवर। और ये तकरीबन हम इसको कोई 30 सेकंड तक कवर करके रखेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर दे दिया। इसके बाद इसमें हमने ये इसका जो तेल था ये ज़ाया नहीं करना है, इसमें बहुत बेहतरीन स्मोक फ्लेवर है। नमक 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसमें अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच। अच्छा, ये देख लीजिएगा, कुटी लाल मिर्च भी है और लाल मिर्ची पाउडर भी है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर बहुत तीखी आपको लगे तो फिर इसमें कम शामिल कीजिएगा। इसके बाद गरम मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच। हाँ, ये आ गया। इसके बाद इसमें ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, पाउडर बाज़ार का तैयार नहीं है, ज़ीरा पाउडर। इसके बाद धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके बाद क्रश चिली 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद फ्राई की प्याज 1 कप। ये 1 कप प्याज लेके हमने इसको पीस लिया है। इसको ब्लेंडर में पीस नहीं पीसना, आपने इसको हाथ से कूटना है। ब्लेंडर में पीसा तो पानी शामिल करना पड़ेगा और पानी बिल्कुल इसमें नहीं चाहिए। सो ये इसमें प्याज आ गई। इसके बाद इसमें पानी निकला हुआ दही, ये 1 कप है। ये दही लेके इसको आपने किसी मलमल के कपड़े में टांग देना है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये देख रहे हैं बिल्कुल चीज़ जैसा बना हुआ है। ये इसमें दही आ गया। इसके बाद इसमें अदरक 2 खाने के चम्मच और लहसुन 2 खाने के चम्मच और साथ में चना आटा 1/2 कप। ये असल में इसको जोड़ के रखेगा। सो ये 1/2 कप हमने चने का आटा डाल दिया और बस इसको अच्छी तरीके से हम गूंद देते हैं। क्योंकि ये बहुत गले हुए होते हैं और ये टूटने का खदशा होता है, इसका एक और ऑप्शन भी है कि इसको आप हल्का सा मैदे से कोटिंग कर लें और अदरवाइज सिंपली फ्राई कर लें। तो ये चूल्हा ऑन किया और बस ये इसको सिंपल गोले को लेके हमने, इसका एक और बेस्ट तरीका ये कि गोले को फ्रिज में रख दें 4-5 घंटे, बिल्कुल फर्म हो जाएगा। बस सो ये एक करके इसको हमने हल्का सा मैदे से कोट करना है, ज़्यादा नहीं, और इसके बाद थोड़ा शेप अप कर दें। और ये गया। और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, दरमियानी आंच पे भी बनेगा, ये धीमी आंच पे बनेगा और आराम से। अच्छा, इनको आपने टर्न बहुत आराम से करना है। देखें, ये बहुत आराम से आप टर्न करेंगे। इसको हमने ढक दिया है, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया है। ध्यान में रखिएगा कि इसको आपने अंदर तक पकाना है, बार बार टर्न नहीं कर सकते। गोश्त इसका कीमा इतना गला होता है कि अगर बार बार टर्न करेंगे तो फिर टूट जाएंगे। लिहाजा एक दफ़ा हमने टर्न किया दूसरी साइड पे, इसके बाद इसको कवर कर दिया। गोला कबाब, अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, जिंजर पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच, गर्म मसाला 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, क्रश्ड चिली 1 खाने का चम्मच, फ्राइड प्याज 1 कप, पानी निकले दही 1 कप, अदरक 2 खाने के चम्मचे, लहसुन 2 खाने के चम्मचे, पपीते का पेस्ट 1/2 कप, चना आटा 1/2 कप, कोयला 1 पीस, तेल 1 कप।